प्रकार की सामग्री होती है। जैसे अपन दुकान में जाते हैं, मेले में जाते हैं, तो एक दुकान से पे सिर्फ या तो खिलौने मिलते हैं, या फिर जैसे कि जानवरों, एक साथ जानवर हो गए अलग अलग प्रकार के, जैसे ये क्या है, शेर है, और ये क्या है, कछुआ, ये तोता, और ये मछली, ऐसे अलग से प्रदर्शनी लगाई जाती है। तो उसमें क्या है, बच्चे देखते हैं और उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, और इनसे क्या बच्चों को जानकारी मिलती है। जैसे कि ये शेर, शेर क्या है, ये शेर कहाँ रहता है, ये जंगल में रहता है ना, और क्या करता है, ये जानवरों को खाता है ना। तो मैं इस पे एक आपको कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। एक बार एक शेर होता है, वो कहाँ रहता है, जंगल में, और एक चूहा भी होता है। चूहा उस, जहाँ शेर सो रहा होता है, उस पेड़ के नीचे उसका बिल होता है, उसमें से बिल से बाहर निकलता है और कभी इधर कभी इधर फुदकने लग जाता है। शेर, नींद आ रही होती है शेर को, अब शेर को गुस्सा आ जाता है और उसको क्या करता है, पंजे में पकड़ लेता है। और चूहा कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें काम आऊंगा, मुझे छोड़ दो। तो शेर को गुस्सा आता है कि तुमने मेरी नींद क्यों खराब की। तो कहती है, मुझे एक बार छोड़ दो, मैं तुम्हारे काम आऊंगी। तो वो छोड़ देता है, अपने बिल में चली जाती है। एक बार क्या है, शेर वहां से जा रहा होता है, फिर एक शिकारी आता है और शेर को बड़ा सा जाल बिछाता है, और उस शिकारी जो शेर जाल बिछाता है ना, उसमें शेर क्या फंस जाता है। अब शेर जोर जोर से ऐसे लाते मारने लग जाता है, पैर छटपटाने लग जाता है। अब उधर से जोर जोर से आवाज आती है, उधर से चूहिया भाग के आती है कि ये तो शेर भैया वही है जिसने मेरी जान बचाई थी, आज मुझे भी इसकी जान बचानी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, ये चूहिया वो जितनी भी छोटे छोटे उसके परिवार वाले होते हैं ना, सबको लेके आ जाती है, और उन अपने छोटे छोटे दांतों से वो सारा जाल काट देती है, और शेर आजाद हो जाता है और फिर बहुत खुश होता है। तो फिर वो चूहिया कहती है कि हम छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, सब बराबर होते हैं, बुद्धि से काम लेना चाहिए, तो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता ना। वो दोनों मित्र बन जाते हैं। तो ये क्या है, शेर। आपको कहानी अच्छी लगी? वैसे ही ये प्रदर्शनी में कई प्रकार की सामग्री रखी जाती है, और अभिभावक महोदय से निवेदन है कि आप बच्चों को दिखाएं और उनको जानकारी दें। धन्यवाद।